जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री 25th वीडियो कंजुगेट डायमीटर्स का दूसरा वीडियो है। एग्जांपल 1, एनी टू कंसेंट्रिक कॉनिक्स हैव इन जनरल ओनली वन पेयर ऑफ कॉमन कंजुगेट डायमीटर्स। रिक्विजिट्स लिख दिया हमने पहले, यानी कि जो भी हम अभी एग्जांपल्स आपको बताने वाले हैं उनमें इसी रिजल्ट का बार बार इस्तेमाल होगा हर एग्जाम्पल में। ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एच डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ द कॉनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन इफ ए डैश इंटू ए डैश इंटू बी प्लस बी डैश इंटू ए इक्वल टू टू एच डैश इंटू एच। ऐसा यानी इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इंटू इसके वाई स्क्वायर का कोफिशियंट प्लस इसके वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इंटू इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इज इक्वल टू इसके एक्स वाई का कोफिशियंट और इंटू इसके एक्स वाई के कोफिशियंट का आधा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि इसका भी टू एच ले लें, इसका भी टू एच डैश ले लें और फिर अपॉन टू कर दें, लेकिन ठीक है इसी से। एनी टू कंसेंट्रिक कॉनिक्स हैव इन जनरल ओनली वन पेयर ऑफ कॉमन कंजुगेट डायमीटर्स। पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स ऐसा ही है, मतलब होमोजेनस इक्वेशन ऑफ टू डिग्री है, यही रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए हैं। और इस तरह से हम लोग दो कॉनिक पहले कंसीडर करें, इक्वेशन ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉनिक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, नंबर वन। दूसरा ले लें हम कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस टू कैपिटल एच एक्स वाई प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, नंबर टू। ये वो सेंट्रल कॉनिक है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ये वो सेंट्रल कॉनिक है जिसका भी सेंटर ओरिजिन है, दोनों के ही सेंटर ओरिजिन है। लिखना चाहो तो लिख दो विथ सेंटर एट ओरिजिन, इसे भी लिख दो विथ सेंटर एट ओरिजिन। तो ये दोनों कंसेंट्रिक कॉनिक्स हुए ना। दीज आर एनी टू। अब एनी टू हम किस हैसियत से बोल रहे हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये चाहे जो, इसमें भी दीज आर एनी टू कंसेंट्रिक कॉनिक्स सेंटर एट ओरिजिन लिखा ही हुआ, उसी बात को फेंट फेंट के क्या बार बार करें, फुल स्टॉप। अब हमें ये शो करना है कि इन दोनों के पास पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स, मतलब एक ही पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स होगा। ये नहीं है कि इसके पास पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर कोई और हो, इसमें कंजुगेट डायमीटर का पेयर कोई और हो। लेट ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एच डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो बी कॉमन। यानी कि दोनों के बीच में कॉमन जो पेयर्स होंगे वो पेयर होगा वो एक ही होगा, एक से अधिक पेयर कंजुगेट डायमीटर्स के कॉमन नहीं हो सकते। बी कॉमन पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स देन, बारी बारी से, इफ इट इज पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर ऑफ दिस कॉनिक देन, ये रिजल्ट लिखा हुआ है, इसका ए डैश इंटू इसका बी प्लस इसका बी डैश इंटू इसका ए इक्वल्स टू इसका टू एच इंटू और इसका एच, टू एच डैश इंटू एच। एक तो ये आ गया और
यही अगर इस कॉनिक के लिए भी पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर से तो क्या होगा, ए डैश इंटू कैपिटल बी प्लस बी डैश इंटू कैपिटल ए इक्वल टू टू एच डैश इंटू कैपिटल एच। ये दो इक्वेशंस बन गए। इन दोनों को सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ए डैश एच डैश बी डैश की हम वैल्यूज निकालें और उसको उठा करके इसमें रख दें, जो आप माने हैं ना, ये तो आपने माना है कि माना यही कॉमन कंजुगेट डायमीटर है का पेयर है। तो आइए देखते हैं कि ए डैश एच डैश बी डैश की वैल्यूज रखने के बाद इसका जो ढांचा बनेगा उसमें से कितने लाइन्स निकलेंगे। दो ही निकलेंगे, दो से ज़्यादा इससे मिटा रहे हैं क्योंकि ये अगले एग्जाम्पल में भी काम आएगा, लेकिन चलो याद हो गया ना, ध्यान रहेगा, नहीं तो फिर लिख देंगे आपकी सुविधा के लिए। हम अभी मिटाते हैं, हमको स्पेस चाहिए। इंप्लाइज दैट B into A dash, A into B dash minus 2H into H dash equal to 0 and दूसरे वाले में capital B into A dash plus capital A into B dash minus 2 capital H into H dash equals to 0. सॉल्विंग दीज बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वज्रगुणन की विधि से इनको हल करते हुए, सॉल्विंग दीज बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। वी हैव ए डैश अपॉन एक कॉलम छोड़ा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस में क्या आएगा, आएगा माइनस टू स्मॉल ए कैपिटल एच, फिर माइनस करेंगे तो इधर प्लस टू कैपिटल ए इंटू स्मॉल एच ना, टू कैपिटल ए एच इक्वल्स टू या तो बी डेस अपान उल्टा गुणा करिए या तो माइनस बी डेस अपान सीधा गुणा, जैसे डिटरमिनेंट खोलते समय करते हैं, तो हम बी डैश लिख रहे हैं, उल्टा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस हम नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू कैपिटल बी एच दिस इंटू दिस हो गया, फिर माइनस में ये प्लस हो जाएगा टू बी कैपिटल एच इक्वल टू एच डैश अपान एक कॉलम छोड़ दिया बी कैपिटल ए माइनस ए कैपिटल बी इक्वल्स टू के मान लीजिए से इंप्लाइज दैट ए डैश इक्वल टू दिस इनटू के यानी कि 2 के ब्रैकेट में कैपिटल ए एच माइनस कैपिटल एच ए बी डैश इक्वल टू 2 के इनटू कैपिटल एच बी माइनस कैपिटल बी एच और एच डैश इक्वल टू के इनटू कैपिटल ए बी माइनस कैपिटल बी ए, इनको उठा करके इस इक्वेशन में रख दिया जाए। ठीक है ना, पुटिंग दीज वैल्यूज Thank you.
putting these values in the equation a dash x square plus 2 h dash xy plus b dash y square equals to 0 we get, जिसको आप कॉमन कंजुगेट डायमीटर का इक्वेशन माने थे उसी में इन वैल्यूज को रखिए. वही ए डैस की जगह 2 के ब्रैकेट में कैपिटल एच एच सॉरी लिख सही रहे हैं बोल गलत रहे हैं कैपिटल ए एच माइनस कैपिटल एच ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच डैस के ब्रैकेट में कैपिटल ए बी माइनस कैपिटल बी ए प्लस बी डैस 2 के ब्रैकेट में कैपिटल एच बी माइनस कैपिटल बी एच इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. 2 के उड़ा दिया जाए इम्प्लाइज दैट कैपिटल ए एच माइनस कैपिटल एच ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ लिखना भूल गए ना एक्स वाई कैपिटल ए बी माइनस कैपिटल बी ए इंटू एक्स वाई प्लस कैपिटल एच बी माइनस कैपिटल बी एच इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, ये सिर्फ 2 सोलूशन देगा. इसमें से ओरिजिन से होके जाने वाली 2 रेखाएं निकलेंगी, 2 लाइंस के इक्वेशन आएंगे बस, विच गिव्स ओनली 1 पेयर ऑफ कॉमन कंजुगेट डायमीटर्स विच गिव्स ओनली 1 पेयर ऑफ लाइंस थ्रू 0 0 हेंस कॉनिक्स 1 एंड 2 हैव ओनली 1 पेयर ऑफ कॉमन कंजुगेट डायमीटर्स एक एग्जांपल. एग्जांपल 2 Example 2. Prove that the equation of the equiconjugate diameters. कंजुगेट डायमीटर तो एक जोड़ा होता है ना, एक जोड़ा डायमीटर्स का. इक्वी माने इक्वल, दोनों की लंबाइयां बराबर है. इक्वी कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ द कॉनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज इक्वेशन ऑफ इक्वी कंजुगेट डायमीटर्स, माने डायमीटर्स के पेयर का इक्वेशन. ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी. ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है क्वेश्चन, आपके समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ.
जिस कॉनिक के कंजुगेट डायमीटर्स की बात करनी है वो सेंट्रल कॉनिक है, और सेंटर कहाँ पे है ओरिजिन को, उसको आप जानते पहचानते हैं। उसी से बातचीत की शुरुआत करें। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, इट इज सेंट्रल कॉनिक विथ सेंटर एट ओरिजिन, विथ सेंटर विथ ओरिजिन एज सेंटर लिखो चाहे विथ सेंटर एट ओरिजिन, तो अब जितने भी डायमीटर होंगे वो इसके सेंटर से जाएंगे ना, इसका मतलब ओरिजिन से होके जाएंगे। समझाने के लिए मैं एक एलिप्स बना दिया और एक सर्किल बना दिया, और दोनों का सेंटर हम ओरिजिन पे ले ले रहे हैं, सी जीरो जीरो, पूरा डायमीटर ना खींच करके हम सेमी डायमीटर खींच रहे हैं आधा आधा। तो ये है एक जोड़ा कंजुगेट डायमीटर्स का, चूंकि इन डायमीटर्स की लंबाइयां बराबर हैं, इक्वी कंजुगेट डायमीटर्स हैं, इक्वल कंजुगेट डायमीटर्स हैं। डायमीटर अगर इक्वल हो रहा है, सेमी डायमीटर अगर इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सेमी डायमीटर माने त्रिज्या, रेडियस। अब रेडियस तो बराबर ही होता है, लेकिन कहाँ बराबर होगा, रेडियस वेडियस की बात कहाँ आती है, डायमीटर की बात तो सब जगह आ रही है, लेकिन रेडियस की बात कहाँ आएगी, सिर्फ सर्किल में। अगर ये पूरा डायमीटर खींच लो, अगर ये डायमीटर बराबर है आपस में, लेंथ में बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों डायमीटर किसी सर्किल के हैं, किसी सर्किल के हैं। यानी ये जो रेडियस है, ये रेडियस है किसी सर्किल की रेडियस है, तो वो सर्किल हमने मान लिया इसकी लंबाई दोनों आर आर है, ठीक। तो अब ये डायमीटर्स, ये सेमी डायमीटर्स सेंटर को इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से मिलाने वाली लाइंस ये हैं, तो यही सब हम लिखने जा रहे हैं। सिंस द डायमीटर्स आर इक्वल, therefore the conjugate diameters, the conjugate semi diameters लिख दे रहा हूँ, conjugate semi diameters can be taken as the lines joining C 00 to the points of intersection to the points of intersection of one conic one and the circle x square plus y square equals to r square, sorry x square plus y square equals to r square. Number 2, अब देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका आपस में हम इंटरसेक्शन करा रहे हैं, तो हमको लाइन मिल रही है जो ओरिजिन से होके जाने वाली लाइन है। ओरिजिन से होके जाने वाली दो लाइन है, उनके जब हम पेयर का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें फ्री कांस्टेंट नहीं होगा,
ओरिजिन से होकर जाने वाली दो लाइंस के पेयर के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स वाई का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा, बस इक्वल्स टू जीरो होगा। तो अब इसके कॉमन में हम क्या करें, उसकी मदद से इसको हम होमोजीनियस बना दें। इसको थोड़ा और हम ऐसे लिख दें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू वन। नंबर टू, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट डायमीटर्स, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट सेमी डायमीटर्स, हम सेमी डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो जो इक्वेशन इसका होगा वही इक्वेशन पूरी लाइन का होगा ना, ऑफ द कंजुगेट सेमी डायमीटर्स, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट सेमी डायमीटर्स कैन बी ऑब्टेंड बाई मेकिंग वन, इज ऑब्टेंड बाई मेकिंग वन होमोजीनियस, मेकिंग वन होमोजीनियस विद द हेल्प ऑफ टू, विद द हेल्प ऑफ टू। दस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स, हाँ हम डायमीटर लिख दिया सेमी डायमीटर, जो घबराइएगा मत, जो इक्वेशन इस लाइन का होगा वही इक्वेशन हुआ तो इस लाइन का होगा। दस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट डायमीटर्स इज इक्वेशन वन को इक्वेशन टू की मदद से होमोजीनियस बनाइए। दो डिग्री, दो डिग्री, दो डिग्री, इसकी डिग्री दो नहीं है, इसकी डिग्री दो बनाना है उसकी मदद से। देखो हम बना रहे हैं, अगर ये आप नहीं जानते हैं सीखिए, ये मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा टूल होता है। ए एक्स स्क्वायर, ये कई बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, वन की जगह पर यही लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब देखिए जितने भी टर्म है सबकी डिग्री दो हो गई ना, दो डिग्री टर्म के अलावा कोई भी कांस्टेंट टर्म या एक डिग्री टर्म का कोई भी टर्म नहीं है। तो इससे जो दो लाइंस आएंगी वो दोनों सेंटर सी जीरो जीरो से होकर जाने वाली होंगे। implies that ar square x square plus 2h r square xy plus br square y square minus x square minus y square equals to 0 implies that ar square minus 1 multiplied by x square plus 2h r square into xy प्लस बी आर स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। नंबर थ्री, अब आपको मालूम है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एच डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो represents a pair of conjugate diameters if ऐसा वैसा वैसा, तो वही लिख करके फिर इस पर वही शर्त थोपने जा रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट ना करके। वी नो दैट, पहले रिजल्ट को लिख दें, पहले उस रिजल्ट का हम हवाला दे दें जिसका हम यूज करना है। वी नो दैट ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एच डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स, पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ द कोनिक
ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन इफ ए डैश बी प्लस बी डैश ए इक्वल्स टू इसमें से टू एच डैश और इसमें से फिर केवल एच। अब इसी शर्त को यहाँ पे थोपिए, ए डैश की जगह ये लिखा है, ठीक है ना, इसे मिला लीजिए सब। दस इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, लेंथ इक्वल करने के चक्कर में तो ये रूप मिला है ना, इक्वी कंजुगेट डायमीटर्स, पेयर ऑफ इक्वी कंजुगेट डायमीटर्स रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ वन इफ इसका एडेस कहाँ गया सर, ये तो इसमें ए आर स्क्वायर माइनस वन इन टू, इक्वेशन नंबर वन था ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये था इक्वेशन नंबर वन। ए आर स्क्वायर माइनस वन इन टू बी प्लस इसका बी डैश बी आर स्क्वायर माइनस वन इन टू इसका ए इक्वल्स टू इसमें एक्स वाई का पूरा कोफिशियंट टू एच आर स्क्वायर इन टू उसका केवल एच, उसका केवल एच। इससे आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, इम्प्लाइज दैट ए बी आर स्क्वायर माइनस बी प्लस ए बी आर स्क्वायर माइनस ए माइनस ये एच एच दोनों एक ही जैसे हैं, टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इंप्लाइज दैट ए बी आर स्क्वायर, ए बी आर स्क्वायर दो बार है तो यह जाएगा टू ए बी ना, ये हो गया, ये हो गया, और टू ए बी माइनस टू एच स्क्वायर, तो टू को कॉमन ले ले तो ए बी माइनस एच स्क्वायर इन टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर। इसको ले चल के आप वो जो इक्वेशन था जिसको सिंप्लीफाई करके इतना आया था उसी में डायरेक्ट रख दो, क्योंकि इसमें रखने में तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना, ए आर स्क्वायर निकालो फिर। पुटिंग इट इन द इक्वेशन, इक्वेशन था जिसको होमोजीनियस बनाए थे, नंबर भूल गए क्या डाले थे हमको, इसके पहले था टू ही रहा होगा, पता नहीं छोड़ो, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, वन की जगह था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वी गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन टू वन बाई आर स्क्वायर, माने कि ट्वाइस ए बी माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। यही है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वी कंजुगेट डायमीटर्स विच इज द रिक्वायर्ड
इक्वेशन ऑफ इक्वी कंजुगेट, इक्वी कंजुगेट डायमीटर्स, इक्वी कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ सेंट्रल कॉनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो बड़े ही स्मूथ सोल्यूशन वाले ये एग्जांपल्स नहीं हैं, बहुत ध्यान से इनको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम एग्जांपल उठाते हैं तो उसमें 20 मिनट और लग जाएगा, तो ये वीडियो साइज़ बहुत बढ़ जाएगी, 50 मिनट से ऊपर हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं। अगले वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स और कराएंगे। वीडियो को लाइक करिए और थैंक यू।